यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। मुझे सबसे पहले तो बहुत आभार है कि सब लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं, और काफी लंबा सफर रहा है मेरा यहाँ तक का। हालांकि मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, पर मुझे मेरे खेल में अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, और मैं स्पोर्ट्स में बचपन से हूँ, तो आई वुड से कि मेरी बचपन से ही तैयारी थी शायद इसी पल की। और आज जिस तरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक सफल हुआ है। और दूसरी चीज, आज मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत सम्मानित और बहुत बहुत लोगों से प्यार मिला है और सम्मान मिला है। और जैसे कि सर ने बोला कि मैं एक्चुअली इसी फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर मर्चेंट नेवी में है, चीफ इंजीनियर, और मेरे सारे टीचर्स जो उस टाइम पे हुआ करते थे समर हॉलीडेज में, वो सारे कोई बत्ती साहब कहते हैं उनको, जो बत्ती साहब को क्या कहते हैं, हाँ मतलब हम बत्ती साहब बोलते थे, तो वो सारे इंजीनियर्स से ही मैं पढ़ के मतलब स्कूल पास किए हैं मैंने। तो आई थिंक एक बड़ी फैमिली है मेरे लिए, और बहुत खुशी होती है कि लोग इतना प्यार देते हैं। जब आप पेरिस जा रहे थे, तब आपको ऐसा लग रहा था कि आप जब वहां से लौटेंगे तो दो दो पदक के साथ लौटेंगे और देश में इस तरह से सम्मान मिलेगा? जी, उस समय तो मैंने सब सोशल मीडिया सब बंद किया हुआ था, और उस समय सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में ज्यादा बेहतरीन मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी। मैं वर्ल्ड नंबर टू थी, बट उसके बावजूद भी मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाई थी, तो उसका काफी खेद था। तो इस समय बस इतना लक्ष्य था कि अपना बेस्ट देना है, जो सीखा है वो बेस्ट देना है और रिग्रेट नहीं करना है बाद में। तो आई थिंक उस समय सिर्फ यही मन में था, और एक मैच हुआ, एक मेडल आया, उसके बाद भी यही था कि अगला मैच भी उतने ही उत्सुकता और उतने ही ध्यान से खेलना है। और अगले दिन भी जैसे मेडल जब दोबारा मेरा आया, फिर तीसरे मैच पे ध्यान था। तो आई थिंक मैं बस अपने शूटिंग पे ही ध्यान रखती हूँ, ज्यादा नहीं। पर इंडिया आने के बाद मुझे काफी ज्यादा लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है, जिसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।